आचार्य चाणक्य ने एक नीति में बताया है कि कैसे कामों से महालक्ष्मी नाराज हो जाती है। जो भी व्यक्ति लक्ष्मी कृपा चाहते हैं और धनवान बनना चाहते हैं, उन्हें ये काम अब बिल्कुल नहीं करने चाहिए। पहला काम, जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, साफ सफाई नहीं करते, उन्हें माँ लक्ष्मी त्याग देती है। ऐसे लोगों को समाज में भी मान सम्मान नहीं मिलता है और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। दूसरा काम, जो लोग नियमित रूप से दांतों की सफाई नहीं करते, उन्हें भी माँ लक्ष्मी छोड़ देती है। अगर कोई व्यक्ति रोज दांत साफ नहीं करेगा तो उसके पास से दुर्गंध आने लगेगी। ऐसे लोगों से कोई बात करना पसंद नहीं करता है। तीसरा काम, ऐसा व्यक्ति जो जरूरत से ज्यादा खाना खाता है, खाने के मामले में बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, हर वक्त सिर्फ खाने के विषय में ही सोचता है, उसे भी महालक्ष्मी की प्रसन्नता नहीं मिलती है। भूख से ज्यादा भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसकी वजह से कई बीमारियां हो सकती हैं। चौथा काम, अगर कोई व्यक्ति आलसी है, किसी के लिए उत्साह नहीं है, तो ऐसे लोग भी माँ लक्ष्मी की कृपा से दूर रहते हैं। आलस्य की वजह से धन संबंधी कामों में सफलता नहीं मिलती है। पांचवा काम, जो लोग कठोर भाषा का उपयोग करते हैं, अपनी बोली से दूसरों के मन को आहत करते हैं, उन्हें भी देवी लक्ष्मी की प्रसन्नता नहीं मिलती है। छठा काम, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना। जो लोग इन दोनों समय पर कारण ही सोते हैं, तो उनसे भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय देवी देवताओं के लिए पूजा के लिए श्रेष्ठ है, इस समय सोना नहीं चाहिए। भारत के इतिहास में आचार्य चाणक्य का महत्वपूर्ण स्थान है। एक समय जब भारत छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित था और विदेशी शासक सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए भारतीय सीमा तक आ पहुंचा था, तब चाणक्य ने अपनी नीतियों से भारत की रक्षा की थी। चाणक्य ने अपने प्रयासों और अपनी नीतियों के बल पर एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बनाया था, जो आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ और अखंड भारत का निर्माण किया। चाणक्य के काल में पाटलिपुत्र, जो अब पटना के नाम से विख्यात है, बहुत शक्तिशाली राज्य मगध की राजधानी था। उस समय नंदवंश का साम्राज्य था और राजा था धनानंद। कुछ लोग इस राजा का नाम महानंद भी बताते हैं। एक बार महानंद ने भरी सभा में चाणक्य का अपमान किया और इसी अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए आचार्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध कला में पारंगत किया। चंद्रगुप्त की मदद से चाणक्य ने मगध पर आक्रमण किया और महानंद को पराजित किया। आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। जो भी व्यक्ति नीतियों का पालन करता है, उसे जीवन में सभी सुख सुविधाएं और कार्य में सफलता मिलती है। अन्य व्रत की कथाएं जानने के लिए हमारा चैनल वास्तुशास्त्र सब्सक्राइब करें। नमस्कार।